हाँ फिर क्या बोला है विजडम टीथ के बारे में? वही फरीन बोल रही है ना, ये तो मामूली चीज है, मामूली चीज नहीं है ये, देखो मैंने हाँ पढ़ा है पेरिकोरोनाइटिस, जो मुझे अभी बोला है विजडम टूथ के वजह से, हाँ मैं हूँ ना सबसे ज्यादा अकलमंद, इसीलिए मेरे हाँ फाइनली 32 दांत हो जाएंगे जब ये पूरा आ जाएगा। पेरिकोरोनाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम टिश्यू अराउंड योर विजडम टीथ, दिस कैन हैपन व्हेन अ टूथ इज स्टिल पार्शियली इम्पैक्टेड। पेरिकोरोनाइटिस सिम्टम्स रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर एंड मे इंक्लूड बैड ब्रेथ, पस एंड फेशियल स्वेलिंग। लेफ्ट अनट्रीटेड पेरिकोरोनाइटिस कैन बी डेंजरस एंड लाइफ थ्रेटनिंग, इसलिए इसको मामूली गो मत समझो अहेड गो मुझे, अहेड। आराम करने दो मुझे हाँ आराम हाँ करने सही दो, बात है। यही है ऐसी आज तो डेंजरस चीज ट्वेंटी होती है। थाउजेंड हाँ मिल के खुश हो गई। थोड़ा सा इससे थोड़ा सा ठीक हो गया मेरा। दो सूट तो आएंगे। और और भी है कुछ कुछ, अब परसों मुझे करना है, न्यूज़ पे लिखा है। हाउ इज पेरिकोरोनाइटिस ट्रीटेड? फर्स्ट योर डेंटिस्ट विल फ्लश अवे द एक्यूमुलेटेड फूड पार्टिकल्स एंड अदर डेब्रिस फ्रॉम द एरिया, देन ही और शी विल प्रिस्क्राइब अ कोर्स ऑफ ओरल एंटीबायोटिक्स टू क्लियर अप द इन्फेक्शन। वो तो मैं ले रही हूँ एंटीबायोटिक्स। ही और शी विल ऑल्सो रिकमेंड एन एंटी बैक्टीरियल ओरल रिंस दैट यू कैन यूज टू क्लियर द इन्फेक्टेड एरिया, ये भी मैं ले रही हूँ, क्या है वो बॉटल बहुत अच्छा है, हाँ वो ऐसे ही है गरगर करने के लिए। गार्गल करने के लिए। हाँ और और है कुछ कुछ और है, अवॉइड हार्ड एंड क्रंची फूड्स, ईटिंग हार्ड और क्रंची फूड्स कैन इरिटेट द ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड टिश्यू एंड मेक द पेन वर्स। या छुकुम बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। च्युइंग गम ये कर सकते हैं। स्टिक टू सॉफ्ट फूड्स लाइक सूप पुडिंग और मैश्ड पोटेटोज अंटिल द पेरिकोरोनाइटिस हैज सबसाइडेड। गुड। नहीं यार वह अभी टाइम नहीं हुआ है आने का तो। नहीं कुछ लोग आते भी नहीं है, 30+ पे भी नहीं आते, उनको 28 ही होते हैं। उनका कम अकल होंगे फिर। हाँ ऑफ कोर्स। ठीक मैं ना बताऊँ, सिंचनो। नहीं मैं ना बताऊँ।